बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलाइड बैंक की जानिब से शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में बता दूंगा। ऑनलाइन आपने इसमें अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और तो इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार और इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में आने वाली हर नई जॉब्स के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी से दबा लें ताकि आप हमारी टीम का मेंबर बन जाएं और आपके पास रेगुलर जॉब्स की अपडेट पहुंच सके बिल्कुल फ्री में, वो भी सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जॉब्स की जो तफसीलात हैं वो क्या हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एलाइड बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है, और उसके अलावा इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपके जो इनकी डिटेल्स हैं वो लिखी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे जी। मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर MTOs की ये जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उन्होंने लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। तो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो MBA वाले, MBIT वाले, MCOM वाले, मास्टर इन बैंकिंग और फाइनेंस, और उसके अलावा बिजनेस में अगर आपने मास्टर की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो डिग्री है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद CGPA की यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो लेस देन 3, ठीक है, तो 3 से जो है वो कम नहीं होना चाहिए आपका CGPA, ठीक है। उसके अलावा 80% मार्क्स होने चाहिए इन फाइनल ईयर्स में। और उसके अलावा एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो नो मोर देन 27 ईयर्स, ठीक है। तो जनवरी 31 जनवरी 2020 से पहले पहले या उसके बाद तक आपकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। और उसके अलावा एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो उसके अलावा इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2020 है, ठीक है। तो 16 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इनको लाजमी से देख लीजिएगा। यहाँ पे प्लीज़ नोट दैट ये जो लिखा हुआ है इसको लाजमी से रीड कीजिएगा इसमें अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई नाउ का बटन है इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट जॉब यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो आपने CNIC है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है अपना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ अपना जो CNIC है वो यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना CNIC यहाँ पर जो है वो इंटर किया है और मैंने कंटिन्यू के बटन पर कर दिया है क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही आप भी इंट्री करके कंटिन्यू के बटन पर करेंगे क्लिक तो ये जो नेक्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं आपको जो इसकी मुकम्मल तफसील, सबसे पहले फुल नेम, उसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपका जो CNIC वो शो होगा, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी आपने अपनी देनी है, ठीक है। उसके अलावा फ़ोन और नंबर जो है वो देना है, यानी कि अगर हम मोबाइल नंबर है तो वो देने देना, सेल नंबर है तो वो भी यहाँ पे आपने दे देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। उसके अलावा मेलिंग एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर तमाम जो सिटीज हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा सिटी ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये जो है सिटी रेफरेंस नंबर वगैरह ये आपने देने हैं यहाँ पर अपनी सिटी के, ठीक है। और उसके अलावा इस साइड पे देख लेते हैं कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिनमें फादर नेम है, उसके अलावा जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसके बाद सेलेक्ट सिटी जो है वो आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है बस ये कुछ, और उसके अलावा ऑफिस नंबर यहाँ पे जो है वो आपने पोस्ट ऑफिस नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपने देनी है, उसके अलावा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह है ये भी यहाँ पे आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपका है तो आपने दे देना है यहाँ पर, और उसके अलावा इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे लिखी हुई है ये भी आपने लाजमी से रीड कर लेने, ठीक है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, ठीक है, अवॉइड डुप्लीकेट एप्लीकेशन, ठीक है।
के मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड करेक्टली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोशिश करें कि जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो आपकी रियल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो लास्ट में आपको सबमिट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सबमिट कर देना है और इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो तफसीली वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि मैं इसी तरह के मजीद वीडियोज़ भी आप ही ले लेकर आता रहूँ। अगर इस वीडियो के बारे में कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।